और जालौन से जहां देश में बढ़ते दामों को लेकर पिछले कई दिनों से अलग अलग दल से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ये हुए कि लोग सड़कों पर आ गए हैं, फिर भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। ऐसे ही केकर उरई मुख्यालय के कलेक्टर परिसर पर राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष मंगल सिंह ने नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर भारी संख्या में जमकर हंगामा काटा गया। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल सब्जी के दामों के विरोध को लेकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट में आकर धरना प्रदर्शन किया, देर तक हंगामा काटा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाले रेट बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं किसानों को नुकसान होने की संभावना उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो रेट के दाम बढ़े हैं उनको कम किया जाए, अन्यथा हम लोग अनशन करते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि उनकी बात को कितना माना जाता है और रेट पे कितने अंकुश लगते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में